हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ममता और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पकोड़े की रेसिपी बनाएंगे। बारिश का सीज़न चल रहा है तो पकोड़े तो बनते हैं, तो मैंने अनियन के पकोड़े बनाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पैन लेंगे और उसमें 3-4 टेबल स्पून मैंने तेल डाला है। थोड़ी सी एक बारीक कटी हुई 1 चम्मच के लगभग अदरक डाली और 2 से 3 हरी मिर्च को बारीक काट के डाल दिया है। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर सूप डाली है और 2 चम्मच मैंने यहाँ पर साबुत धनिया डाला है, मतलब धनिया के बीज डाले हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट तक सोटे करेंगे लो फ्लेम पे। और फिर क्या करेंगे, हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। मैंने 1 चम्मच यहाँ पर चिली फ्लेक्स डाले हैं और 1 चम्मच के लगभग मैंने यहाँ पे नमक डाला है और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। मसाले को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और फिर मैंने यहाँ पे 1 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच के लगभग मैंने यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आमचूर पाउडर डाला है 1 चम्मच, और मतलब 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे चीनी डाली है बैलेंस करने के लिए। और 8-10 काले किशमिश होंगी और 8-10 रेगुलर जो हमारे किशमिश होंगी वो होंगे, वो डाल दिए मैंने इसके अंदर, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। और फिर मैंने यहाँ पर 500 ग्राम उबले हुए आलू लिए हैं, आलू को उबाल लिया है और छील लिया है। और फिर इस तरीके से मैशर से मैश कर लेंगे। आप हाथ से भी मैश करते हैं कर सकते हैं या फिर किसी कटोरी या किसी से भी मैश कर सकते हैं, पर थोड़ा गर्म है तो हाथ से नहीं कर पा, ये तो मैंने मैशर से मैश कर लिया है। फिर अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप कटोरी से भी मैश कर सकते हैं, आसानी से हो जाएंगे। फिर मसाला हमारा बन के तैयार हो गया है। फिर मैंने यहाँ पर 4 से 5 बड़ी साइज़ के प्याज लिए हैं, मतलब लगभग 400 से 500 ग्राम प्याज होंगे। उनको इस तरीके से स्लाइसेस में कट कर लेंगे। प्याज को इस तरीके से स्लाइसेस में कट किया है, फिर इनको अलग अलग छुड़ा लेंगे, मतलब लच्छों को अलग अलग छुड़ा लेंगे, एक साथ जुड़े नहीं रहने देंगे। तो इस तरीके से एक एक लच्छों को अलग अलग छुड़ा लेंगे, जो जुड़े हुए होंगे वो चाकू की हेल्प से इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे। तो एक एक लच्छा अलग हो जाएगा, आप इस तरीके से मसल के भी छुड़ा सकते हैं, इजी वे में छूट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर उनको एक बाउल में भर लिया है मैंने कटे हुए प्याज को। फिर 1 कप मैंने यहाँ पे बेसन डाला है, लगभग लगभग वजन में होगा 80 से 90 ग्राम लगभग बेसन होगा। और फिर मैंने यहाँ पे 2 चम्मच चावल का आटा डाला और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे ये डाली है लाल मिर्च और 1 चम्मच ही नमक डाला है। तो मसाले मैंने ऐड कर दिए, आप चाहे तो और कुछ भी ऐड कर सकते हैं इसमें। और मैंने 1 चम्मच अजवाइन को क्रश करके इसके अंदर डाल दिया है। फिर क्या करेंगे, इसको साइड करेंगे थोड़ा सा। और 2 चम्मच मैंने मैदा लिए है यहाँ पे और उसमें थोड़ा पानी डालेंगे 4-5 टेबल स्पून। इस तरीके से घोल बना लेंगे, मतलब स्लरी बना लेंगे। तो स्लरी को ज़्यादा पतला नहीं करना है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए होगी उसके लिए, पकौड़े बनाने के लिए। इसको साइड करेंगे और फिर जो बेसन वाला और प्याज वाला जो मिक्सचर था उसको इस तरीके से मिला लेंगे। पानी नहीं डालना है बिल्कुल भी, क्योंकि अनियन में थोड़ा बहुत पानी है, उसी से मिल जाएगा। और हमें इतना ही चाहिए, ज़्यादा गीला नहीं चाहिए। तो ये देख पा रहे होंगे मैंने मसल के तैयार कर लिए है, प्याज को और मसालों को और बेसन को। फिर जो हमारा आलू का मसाला था वो ठंडा हो गया है, उसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। आप देख पा रहे होंगे ज़्यादा बड़े नहीं बनाने, मतलब छोटे छोटे ही बनाने हैं। तो मैंने सारे बॉल्स बना के तैयार कर लिए हैं, 15 से 20 बॉल्स बन गए होंगे। फिर जो हमारा मैदा का घोल था उसके अंदर बॉल्स को डालेंगे इस तरीके से। और फिर जो प्याज वाला, प्याज का और बेसन का वो था मिश्रण, उसके अंदर डाल देंगे और इस तरीके से लड्डू की तरह बना लेंगे, ताकि इसकी अच्छे से कोटिंग हो जाएगी मसाले की, प्याज की और बेसन की और मसालों की। इस तरीके से आलू के मसाले पर कोटिंग हो जाएगी। तो सारी बॉल्स इस तरीके से बना के तैयार कर लिए मैंने। फिर क्या करेंगे, तेल गरम कर लेंगे और तेल में पकोड़े डाल देंगे। तो इनको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, क्योंकि अंदर का मसाला तो पका हुआ, ऊपर की जो लेयर है उसको पकाना है, पर लो फ्लेम पे ही पकाएंगे, हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे। तेल ज़्यादा गरम नहीं था और ज़्यादा ठंडा भी नहीं था, मतलब एकदम धुआंधार गरम नहीं था। तो फिर मैंने इन सब चीज़ों को डाला और पकौड़ों को लगभग लगभग 5 मिनट तक पकाया लो फ्लेम पर। और फिर उसमें निकाल लेंगे, हल्का गोल्डन क्रिस्पी हो जाएंगे जब निकाल लेंगे। तो आप भी बनाओ, खाओ पियो
और मजे करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।